तो सुबह का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। आज ना ब्रेकफास्ट बनाने का मन तो नहीं था, तो सोचा कि कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो जल्दी से बन जाए और टेस्टी भी हो। तो आज बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। अब ब्रेड ऑमलेट को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। वो एक ही जैसा खा के ना कभी कभी ऐसा मन करता है कि कुछ अलग तरीके से बनाओ, ताकि बनाने में भी मज़ा आए और खाने में तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग इसका नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेड और एग ही है तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे बनाना अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दो ब्रेड लिया है और इसको मैंने ना ग्लास से ऐसे कट कर दिया है और कटा हुआ जो पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया है। चाकू से भी कर सकते हैं या फिर किसी धार वाली जो बोल होती है उससे भी कर सकते हैं। ग्लास से ईजी लगा तो मैंने इसी से कर लिया। अब यहाँ पर मैंने दो अंडे लिए हैं, तो दोनों अंडे को फोड़ लेंगे एक बोल में, ग्लास में, जिसमें भी आप अच्छे से इसको फेंट सकते हैं। तो आज घर में धनिया पत्ता नहीं था, वरना मुझे ना ऑमलेट में धनिया पत्ता का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, प्याज, टमाटर, हरा मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो डाल रही हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हरी मिर्च तो डाली ही है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसे चेंज इसमें कर सकते हो। बहुत लोग को ना ऑमलेट में अदरक भी अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैंने आज नहीं डाला है। अब पैन को गर्म करेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। अब क्योंकि मैं बटर डाल रही हूँ तो ये नमक है इसमें, ये सॉल्टी वाला बटर है। तो स्टार्टिंग में अंडे में मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि फिर वैसे नमक ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये ब्रेड था उसको इसमें डाल दूंगी और यहाँ पे मैंने जो अंडा अभी मिक्स किया था उसे भी इसमें डाल दिया है। अब जो कटा हुआ पार्ट रखा था उसको भी इसके ऊपर ऐसे करके डाल दिया है और हल्का सा प्रेस किया है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, वरना ये जो पूरा एग है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा के और जो बाकी जो बचा हुआ है एग उसको भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से कोट हो जाए। और बहुत लोग को ऑमलेट में टमाटर पसंद नहीं होता, मुझे पसंद है तो मैंने डाल दिया है। तो ये अपनी चॉइस पे है, आप इसमें जो भी डालना चाहे वो डाल देंगे। अब इसे पलट के दोनों तरफ से अच्छे से पका देंगे। क्रिस्पी पसंद है तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकेंगे तो ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए था, फिर भी ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो ही गया था। अब सुबह का टाइम है तो चाय तो चाहिए ही, तो मैंने अपनी चाय भी बना के रेडी कर ली है। और यह है मेरा आज सुबह का ब्रेकफास्ट, ब्रेड और चाय, सॉरी ब्रेड ऑमलेट और चाय। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।